हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका स्वागत है। एंड बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉरएवर हो गया, सो डोंट बी कंफ्यूज। एंड अगर बात करें आज की डेट की, तो एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेशेंस इज द की टू सक्सेस, यहाँ पर एक वीडियो बनाई गई है। तो कहाँ किस तरीके से पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस का मतलब क्या है, उससे रिलेटेड बातें की रही है। अडानी ग्रुप का यहाँ पर एग्जाम्पल है और उसमें कुछ एक स्टोरी भी है, तो इस चीज को देख लीजिएगा, आपके फायदेमंद की चीज है। एज वेल एज बात कर रहे हैं, कल की डेट में हमने एक वीडियो बनाई थी मॉर्पन लैब से रिलेटेड, फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर किया था और आज के दिन में शेयर 7 से 8% भागता हुआ दिखाई दिया था। कुछ इससे रिलेटेड न्यूज थी और न्यूज के बेस पे मैंने यहाँ पर नहीं लिया था, कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल एनालिसिस थी, इसके नंबर्स थे उसके बेस पे बताया था, तो आज के दिन में भागता हुआ दिखाई दिया। तो हम और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, उस चीज को जाके चेकआउट करिए, यहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट में ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड, Q4 के रिजल्ट से रिलेटेड, और कोई बिगनर है तो आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जो आपके लिए बनाई गई है। तो अगर डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और आइए वीडियो की तरफ। थंबनेल में ऑलरेडी आपने देख लिया है कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, दो फार्मास्यूटिकल्स स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करना जो कि मुझे लग रहा है कि बेस्ट बाइंग प्राइस पे आपको मिल रहे हैं और आपको ले लेना चाहिए। आप फंसेंगे नहीं, ऊपर के लेवल पर देखिए फंसने का कोई चांस नहीं रखता, इसलिए कुछ चीजें भी बताऊंगा इस वीडियो में, आपको चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली देखा जाता है कि आप कभी ऊपर के लेवल पर ना फंसे, नीचे के लेवल पर आप उसकी बाइंग करें। तो वीडियो में चलते हैं, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़ूं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। आइए शेयर की तरफ, यहाँ पर देख लीजिए आज के दिन ये शेयर जिससे रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, 2.5% यहाँ पर लगभग 2.3% यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, पॉजिटिव है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए तो ऊपर से सीधे नीचे गिरा, ऊपर उसके बाद यहाँ पर गिरावट है, कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है पिछले 6 महीने में। ईयर टू डेट की बात करूँ तो यहाँ पर कंसोलिडेशन है, 5 इयर्स की बात करूं काफी बेहतरीन यहाँ पर शेयर या भागता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूं वो भी काफी बेहतरीन है, बट यहाँ पर बीच बीच में शेयर गिरता बढ़ता रहता है और इसी को ही शेयर बाजार कहते हुए है। तो अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो मैंने यहाँ पर काफी बार इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई है, काफी नीचे लेवल पर यहाँ पर था जब आपको कहा था खरीदने के लिए, उसके बाद एक हमें अच्छा खासा गेन मिला था तो मैंने यहाँ पर बेचने के लिए भी कहा था, मैंने बेचा भी था, फिर उसके बाद दोबारा एक अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पर खरीदने की, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो अगर इस शेयर का नाम बताऊँ तो इसका नाम है इपका लेबोरेटरी शेयर, ओके, फार्मास्यूटिकल शेयर है, आपको पता ही है फार्मा से रिलेटेड काम करता है। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन लगभग लगभग 1,34,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस 40% उठाए गए हैं। 52 वीक लो की बात करें, एक साल पहले 1511 रुपए का शेयर था, आज के दिन में ये 2460 रुपए का 28 अक्टूबर को गया था, उसके बाद उस लेवल तक आज तक नहीं गया है, ओके, पिछले 8-9 महीने से एक ही टाइम पे कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पर ही। अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नजर आती है ये कंपनी, कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है, और 46.29% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है किसकी, प्रोमोटर्स की। और बात करें यहाँ पर कितने पी पे मिल रहा है, 36 के पी पे मिल रहा है। कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो आपको पता ही फार्मास्यूटिकल्स API से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आएगी। और मार्केट कैप की बात करें 25,965 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है, 30% का ROCE है, काफी बेहतरीन है, ऐसे ही शेयर हमें चूज भी करना चाहिए। डेट की बात करें 4% का डेट है, प्लेजिंग की बात करें 0% की प्लेजिंग है। जब ये सारी चीजें आपको मिले तो ऐसे शेयर को छोड़ते नहीं है, ऐसे शेयर को लपक लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पर और भी चीज की, रिजल्ट, तो रिजल्ट यहाँ पर देखें तो पिछले 3-4-5 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर रिजल्ट्स पेश करे हैं। यहाँ पर अगर इस क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर डल होता हुआ नजर आया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फिर भी क्वार्टरली यहाँ पर रिजल्ट अच्छे हैं। मैक्सिमम सॉरी यहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी बात करें पिछले 4-5 क्वार्टर से काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट आए हैं, उसका आपको पता ही है रीजन क्या है, कोविड पहली बात, और दूसरी बात शेयर भी काफी बेहतरीन है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। और कंपनी कंप्लीटली यहाँ पर 4% की डेट है, ज्यादा डेट भी नहीं है। सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, 15,000, 1,800, 2,800, 2,327, 3,028, 3,131, 3,136, 3,436, 3,543 और 5,000, मतलब हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। तो जब ये चीजें बढ़ती हुई नजर आती है ना, मतलब 10 साल में आपके प्रॉफिट को 5 गुना कर दिया, तो
कोई ऐसी कंपनी को चूज किया जाता है अपने पोर्टफोलियो के लिए। रिजर्व्स की बात करें, 47 मतलब 4,727 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें, बोरिंग बिल्कुल ही कम हो गई है, क्या 474 करोड़ से सीधे 170 करोड़ पे यहाँ पर बोरिंग ले आए हैं। फिक्स एसेट की बात करें, फिक्स एसेट में यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े मतलब खर्च करती हुई कंपनी नजर आ रही है। CWIP यहाँ पर जब यही चीज यहाँ पर आएगी वर्किंग प्रोग्रेस में, यहाँ पर सीधे फिक्स एसेट में आएगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सब चीज चेंज होती हुई नजर आएगी और ये कंपनी और तेज भागती हुई नजर आएगी और 2400 का लेवल है तोड़ती हुई नजर आएगी। ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, 307 करोड़ का यहाँ पर कैश भी है, जो भी कैश है यहाँ पर कंपनी अर्न करती है वो सीधे यहाँ पर दिखाई देता है। ROCE काफी बेहतरीन है यहाँ पर, 25-20 से ऊपर ही हमेशा चलती आई है। बीच में एक दो क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉब्लम थी, फिर दोबारा ऊपर की तरफ। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 46.29% की होल्डिंग यहाँ पर किसके पास है, ये है प्रोमोटर्स के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स, बल्कि प्रोमोटर्स ने यहाँ पर बीच में सेप्टेम्बर में बढ़ाई, फिर दिसंबर क्वार्टर में। FIIs की बात करें थोड़ी सी यहाँ पर कम करी है, बट स्टिल यहाँ पर 17.5% के आसपास की होल्डिंग है। DIIs की बात करें तो यहाँ पर बढ़ाया है, जो FIIs ने बिका थोड़ा सा DIIs ने उठा लिया। गवर्नमेंट के पास तो 0.28% की, और पब्लिक के पास की बात करें तो केवल 11% की होल्डिंग ही पब्लिक के पास है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, इस चीज को ध्यान में देके आपको चीजें खरीदनी होगी, तो आप ऐसी चीजों को से रिलेटेड आप पैसा कमा पाएंगे। पहला पहला शेयर, इससे रिलेटेड टेक्निकल भी हम बात करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे शेयर की बात कर लेते हैं, एक साथ दोनों के टेक्निकल देखेंगे। दूसरा शेयर है जुबिलेंट फार्मोवा। अगर बात करें 764 रुपए पे शेयर चल रहा है, और एक महीने पहले की अगर 5 डेज की बात करूं, ये लगभग 900 रुपए पे शेयर चलता था, और अच्छा खासा गिरावट लगभग 15 से 16% की गिरावट यहाँ पर देखी जा चुकी है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी काफी बेहतरीन तो नहीं, मतलब यहाँ पर इस कंसोलिडेशन फेज पे है। सॉरी, यहाँ पर अगर मैं BSC डाल दूं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म पे चार्ट पैटर्न नजर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉलेटाइल शेयर है, गिरावट भी काफी बेहतरीन होती हुई नजर आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अच्छी अच्छी 70-70%, 60-60% की गिरावट है, तो आपको ये चीज भी टॉलरेट करना हो। और बाकी रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड भी है, तो आपके रिवॉर्ड भी है और यहाँ पर अच्छा खासा गेन भी है, सब चीज यहाँ पर नजर आती है। बात करें यहाँ पर आज की डेट में, तो आज की डेट में लगभग लगभग 1,32,000 शेयर लगभग यहाँ पर 48% के शेयर उठाए गए हैं। 561 पे 12 जून को शेयर था, 1,046 तक ये 3rd फेब को गया था, उसके बाद से सीधे गिरावट है और लगभग लगभग 300 रुपए के शेयर लगभग यहाँ पर शेयर गिर चुका है। और भी कुछ बातें करें, डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है, रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं इनके, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, 50% की होल्डिंग लगभग लगभग प्रमोटर्स के पास है। और भी कुछ चीजों की बात करें तो आपको पता ही है जुबिलेंट फार्मा इंटीग्रेटेड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, हैविंग 3 बिजनेस सेगमेंट, दैट इज फार्मास्यूटिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस एंड प्रायोरिटी नोवेल ड्रग्स। तो यहाँ पर एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है। फार्मास्यूटिकल सेगमेंट की बात करें 95% है, स्पेशलिटी फार्मा की बात करें तो यहाँ पर 53% है, CDMO की 27% रेवेन्यू आता है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से इनके रेवेन्यू आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करें मार्केट कैप की, 12 मिड कैप नजर आता है, 12,303 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। ROCE की बात करें 15% की ROCE, ROE 16% की है। डेट की बात करें 60% का डेट है, प्लेजिंग की बात करें कोई भी प्लेज नहीं है यहाँ पर। तो ये सारी बातें हो गई इससे रिलेटेड। और भी और अगर हम देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट, तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट लगभग लगभग हर क्वार्टर में सेम होते हुए दिखाई दिया, बल्कि यहाँ पर मार्च 2020 से यहाँ पर गिरावट ही नजर आई है। एक पीक पकड़ी थी, फिर दोबारा यहाँ पर गिरावट नजर आई है। तो इस बार के जो रिजल्ट थे वो क्वार्टरली और ईयरली बेस पे शायद यहाँ पर फ्लैट या फिर गिरते हुए नजर आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर प्रॉफिट गिरावट और थोड़ी सी फ्लैट नजर आया है। बट अगर इस तरीके से गिरावट होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर यहाँ पर खराब हो जाता है, कुछ रीजन हो सकते हैं। ओके, शायद एक आध क्वार्टर के लिए माफ भी कर देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े शेयर से रिलेटेड कोई फर्क नहीं पड़ता, जब राकेश झुंझुनवाले साहब जैसे ने यहाँ पर हिस्सेदारी अभी बढ़ाई है और पहले से ही यहाँ पर रखते हुए आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें 214 करोड़ का यहाँ पर इस बार का भी प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट कंपनी नेगेटिव में थी, अब आज कम से कम प्रॉफिट में चल रही है और अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है। सेल्स की बात करें यहाँ पर सेल्स देखिए 3,037, फिर 3,442, 5,557, 5,551, 5,557, 5,558, 5,575, 5,591, फिर यहाँ पर थोड़ा मार्च में थोड़ा बहुत यहाँ पर
गड़बड़ी हो गई है, थोड़ा गिरावट आई है, बट मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर से दोबारा कंपनी यहाँ पर गियर अप हो जाएगी और भागती हुई नजर आएगी। नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है, और नेट प्रॉफिट भी बात करें, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर ही पिछले 2 साल से आता हुआ नजर आ रहा है, तो इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते। रिजर्व की बात करें, रिजर्व अच्छे खासे है, ओके 4726 करोड़ के आसपास के रिजर्व है, और रिजर्व में से कुछ निकाल के यहाँ पर बोरिंग इन्होंने कम कर दिया, लगभग 2000 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग भी कम करी है, मतलब कंपनी अपने आपको डेट फ्री भी करना चाहती है, इसकी तरफ भी हमें नजर रखनी चाहिए। फिक्स एसेट की बात करें, फिक्स एसेट 6252 करोड़ के आसपास है। CWIP मतलब कुछ खर्चा कंपनी अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं करती नजर आ रही। 241 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड रिसीवेबल 820 करोड़ है। 671 करोड़ की यहाँ पर कैश है, कैश कम होता हुआ नजर आया क्योंकि यहाँ पर बोरिंग कम किया है इन्होंने, इस चीज को आपको देखना होगा। बाकी बात करें यहाँ पर कैश एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, लग जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है, तो इससे ये अच्छी बात है। लगभग 15-16 इसी लेवल की ROCE पे ही कंपनी काम करती नजर आती है। प्रमोटर्स की बात करें, 50.668% की यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FIs ने यहाँ पर होल्डिंग लगभग सेम ही रखी है, 25.69% की। FIs देख सकते हैं कौन कौन है यहाँ पर, ये देखिए ये सारे के सारे मॉर्गन स्टैनली एशिया, ये सारे के सारे यहाँ पर FIs नजर आते हैं। यहाँ पर अगर बात करें DIS की, DIS के पास यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ाई है, 0.26% की, लगभग 1.28% की हिस्सेदारी यहाँ पर DIS की है। बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के पास भी यहाँ पर होल्डिंग है, पब्लिक में भी यहाँ पर अगर बात करें राकेश झुनझुनवाला साहब की होल्डिंग नजर आती है। एक मिनट यहाँ पर अगर मैं देख लूं, ये ओपन नहीं हो रहा है, जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको पता चलेगी। देखिए राकेश राधाश्याम झुनझुनवाला, मतलब 6.29% की हिस्सेदारी इनकी है। बाकी अगर बात करें केवल 16% की होल्डिंग ही यहाँ पर किसकी नजर आती है, पब्लिक की नजर आती है, तो ना के बराबर होल्डिंग है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब ये सारी की सारी बातें हो गई इस कंपनी से रिलेटेड, अब बात कर लेते हैं तो कुछ चार्ट पैटर्न की। पहले इपका की बात कर लेते हैं। इपका देखिए एक चीज बताना चाहता हूँ, कभी भी आप फंसोगे नहीं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब या तो शेयर 30% अपने ऑल टाइम हाई से या 52-week हाई से गिरा हो तब आपको खरीदना चाहिए, या फिर आपको कब खरीदना चाहिए, आपको तब खरीदना चाहिए जब यहाँ पर 200 DMA के नीचे यहाँ पर शेयर चल रहा हो। अभी की बात करूँ तो 200 DMA के नीचे पहले चल रहा था एक दो दिन पहले, अभी लगभग 200 DMA पे यहाँ पर शेयर आके बैठा हुआ है और यहाँ से ऊपर जंप लगा सकता है कभी भी। और यहाँ पर अगर चार्ट पैटर्न की भी बात करें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और जब इस तरीके के कप विद हैंडल पैटर्न बनते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा बताया है बना बना के कि इस ये ब्रेकआउट होता ही होता है, तो इस तरीके के ब्रेकआउट होते हुए नजर आते हैं। तो ब्रेकआउट पहले इधर से खरीदे इससे पहले है कि यहाँ से खरीद ले और अच्छा खासा यहाँ पर गेन ले ले, तो ये काफी बेहतरीन बात होगी। अगर यहाँ पर बात करें RSI की, तो RSI भी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर पहले देख लेते हैं इसकी, RSI भी यहाँ पर काफी अच्छी चल रही है इसकी, आप खरीद सकते हैं शेयर को, बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी के करके ही आपको कुछ यहाँ पर पोजीशन लेनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस शेयर से रिलेटेड, तो इसका टारगेट कितना आता है आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर आ रहा है लगभग 2763 रुपए के आसपास का यहाँ पर टारगेट आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए। और अगर हम यहाँ पर ओवरऑल अभी से बात करते हैं कि यहाँ पर से जो अभी शेयर चल रहा है अगर देखते हैं, तो लगभग लगभग 30% 31% के आसपास का यहाँ पर गेन हमें नजर आ रहा है। तो 31% 6 महीने के अंदर अंदर ये शेयर यहाँ पर पहुंच सकता है, तो 6 महीने के लिए अगर आप चाहते हैं 31% के शेयर का, ये काफी बेहतरीन होता है रिटर्न्स, तो बिल्कुल भी बेकार रिटर्न्स नहीं है। और 1 साल की बात करें तो 60% के रिटर्न होते हैं इस तरीके से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए इपका लैब की तरफ, तो ये अच्छा खासा गेन दे सकता है। ROCE भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, ROCE भी काफी यहाँ पर बेहतरीन 50 के RSI पे चल रहा है, इस RSI के चल रहा है। फिर इसके अलावा बात करें यहाँ पर और दूसरे शेयर की, जुबिलेंट फार्मोवा, तो यहाँ पर इसे भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी देख लीजिए जब क्या बताया, ये तो 200 DMA के नीचे चल रहा है और थोड़ा बहुत शायद और नीचे जा सकता है, जाता है तो अच्छी बात है, बाय ऑन डिप्स कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर दोबारा एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये शेयर फिर भागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये शेयर जितना गिरना था ऑलरेडी गिर चुका है। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मतलब ये यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस लेता है, और यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, एक सॉरी एक कब बन रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर
ये हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, जब ये हैंडल बन जाएगा तब एक ब्रेकआउट हो जाता है इस तरीके से। बट अगर हम बात करें अभी ले लेंगे तो अभी हमारे पास अच्छी खासे गेन जो नीचे से है, जो गेन हमारे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं शेयर से रिलेटेड कितना टारगेट नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, सॉरी। एक मिनट। तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना टारगेट नजर आ रहा है यहाँ से करंट प्राइस से, तो करंट प्राइस से जो टारगेट है ये लगभग लगभग 50 और 57 और 60% के आसपास आ रहा है। एक साल में भी ये टारगेट आपको मिल जाता है ना, 1100 रुपए तक ये शेयर चला जाता है, काफी बेहतरीन रिजल्ट माने जाते हैं, तो इसके हिसाब से देख सकते हैं। बाकी पहला अगर बात करें पहला टारगेट तो इसका यही है जो इसने अभी अभी जो जो इसका हाई था, ये जो 20% है ये मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर तक आपको मिल जाएगा। और बाकी दूसरा टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट इसका और यहाँ पर ये है जो कि इसने पहले बनाया था हाई लगभग 1029 का, फिर उसके बाद ऊपर चला जाएगा, मतलब 20% के, 34% के और 60% के टारगेट के लिए आप यहाँ पर कैरी ऑन कर सकते हैं। बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही करिए जो भी पोजीशन लेनी है। और यहाँ पर जब भी यहाँ पर 200 DMA के नीचे शेयर होता है तो हमेशा खरीदना चाहिए जब कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट पेश कर रही हो। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्लेस।